डियर स्टूडेंट्स क्लास टेंथ उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और लेक्चर्स से मालूम ले रहे होंगे मेरा आज का लेक्चर है उर्दू लाजमी जमात दहम के लिए प्लीज़ आज आप अपनी एक्टिविटी देख लें आपकी एक्टिविटी है कि दाल दाल कैसे वसल होती है दाल की शक्ल ये ये आपके सामने नज़र आ रही है लेकिन ये जब वसल होती है दूसरे हरूफ के साथ मिलती है तो देखें अपनी शक्ल को बदलती है ये चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ कि काफ दाल के साथ मिला ये काफ जब दाल के साथ वसल होता है लाम दाल के साथ कैसे मिलेगा मीम ने दाल के साथ अपना मिलाप किया नून वसल हुआ दाल के साथ तो दाल किस फॉर्म में आया है अपनी असली फॉर्म में नहीं है इसी फॉर्म को आपने सीखना और इसी फॉर्म को आपने लिखना है एक्टिविटी नंबर टू है किताब पर दर्ज तमाम मालूमत को आप अपनी किताब पर रेड या ग्रीन पेन के साथ तहरीर करेंगे नीचे व्हाट्सएप नंबर इसलिए दर्ज है कि आप ये दोनों एक्टिविटीज देख कर आपने इस नंबर पर सेंड करनी है एक चीज और दूसरी चीज आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज की समझ नहीं आ रही है तो मगरब के बाद रात गए तक इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं मौजूद होता हूँ आपके मैसेज का जवाब दूँगा कि कोई चीज समझ नहीं आई कोई लाइन समझ नहीं आई कोई वर्ड्स मीनिंग्स का मस्ता है बल्कि अब तो ये हो गया कि बहुत सारे इस फीमेल इस तौर पर वो मैसेज करती हैं और वर्ड्स के मीनिंग्स पूछती हैं और अपनी किताबों की पिक्चर सेंड करती हैं कि हमें मुफ्त में इतने अल्फाज के मानी मिल चुके हैं डियर स्टूडेंट्स हम आज एक्सरसाइज पर हैं ये देखें ज़रा आपकी एक्सरसाइज है और पेज नंबर है 59. देखते ही देखते हम पेज नंबर 59 पर पहुंच चुके हैं और ये है माँ की नसीहत माँ की नसीहत चैप्टर है ये देखें ज़रा आप अल्फाज मानी देखें ये आपने अपनी किताब पर उतार दिए हैं ये अल्फाज मानी हैं और इसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं देखें साथ ड्राइंग भी बनी हुई है और हमने चैप्टर ख़त्म किया यहाँ है होमवर्क आपका मतन के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें तो ये आपने ख़ुद तलाश करके लिखने खुद रीडिंग करना है मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा सवाल नंबर दो है दर्ज झैल सवाल के जवाब लिखें तो ये जवाब आपको मैंने टेक्स्ट के दौरान समझा दिए थे सवाल नंबर तीन जुमले बनाने हैं ये भी आपको ही करने चाहिए स्याको सबाक और तश्री का मेरा एक अलग लेक्चर इन आएगा सारे बच्चों को वो समझाऊंगा यहाँ आइए हम अब आते हैं इस सवाल की तरफ के मजाज मुरसल क्या चीज़ है जब कोई लफ्स एक लफ्स इस्तेमाल हुआ एक लफ्स इस्तेमाल हुआ जैसे प्लेट यहां पर मिसाल नजर आ रही है ये प्लेट इस्तेमाल हुए एक ठीक है जब किसी लफ्स को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करें आप देखें वो सारी प्लेट खा गया प्लेट एक लफ्स है ये वाला लफ्स प्लेट लफ्स के हकीकी माने क्या है हकीकी माने यह हैं कि प्लेट को उठाकर दांतों से चिबा डाला जाए लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता हकीकी मानों में नहीं इस्तेमाल होता मजाजी मानों में होते हैं हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं प्लेट नहीं खाई जाती प्लेट के अंदर पड़ी हुई चीज खाई जाएगी इस तरह इस्तेमाल हो इस अंदर खाने वाली चीज को क्या कहेंगे मजाजी माने कहेंगे देखे मैंने लफ्ज समझा दिया प्लेट हकीकी माने प्लेट को खाना मजाजी माने प्लेट के अंदर पड़ी हुई चीज ये मुराद है इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इसमें तशबी के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए अब देखें प्लेट के हकीकी माने क्या हैं प्लेट के हकीकी माने हैं या इस चीज़ के हकीकी माने ये हैं ये हकीकी माने हैं कि इस किस्म की प्लेट अब इस किस्म की प्लेट को नहीं खाया जाएगा मजाजी माने क्या हैं? मजाजी माने हैं इस प्लेट के अंदर पड़ी हुई चीज़ खाई जाएगी इस हकीीक और इस मजाजी मानों में हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ ढूँढ रहे हैं वो ताल्लुक तशबी का नहीं है तशबी के अलावा कोई ताल्लु हो अगर इसमें और इसमें तशबी का ताल्लुक़ पाया जाएगा तो इस चीज़ को फिर अगर ताल्लुक़ पाया जाएगा इस चीज़ को फिर इस्तियारा का नाम दिया जाएगा फिर इसको इस्तियारा कहेंगे लेकिन चूंकि तशबी का ताल्लुक नहीं है तो कोई और ताल्लुक पाया जा रहा है तो इसको मजाज मुरसल कहते हैं अब ये स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि यह कोई और ताल्लुक क्या होगा ये कोई और ताल्लुक ताल्लुक हो सकते हैं एक ताल्लुक नहीं हो सकता तशबी का तशबी का ताल्लुक इसी चीज को लफ्ज हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो जाए और इसमें तशबी का ताल्लुक हो तो डियर स्टूडेंट्स उसका नाम क्या रखेंगे सरादिल उसका नाम क्या रखेंगे मजाज मरसल सरादिल ने जवाब दिया तो जब तशबी नहीं होगी कोई भी ताल्लुक होगा तो फिर उसका नाम क्या रखेंगे सर आदिल आप बताएं मजाज मुरसल थैंक यू तो उसको मजाज मुरसल कहेंगे यानी कोई भी ताल्लुक हो सकता है लेकिन तशबी का ताल्लुक नहीं हो सकता मजाज मुरसल की कई अकसाम हैं जिनमें जिनमें जज़ से कुल कुल से जज़ माजी से हाल 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 से मुस्तबिल सबब से मुसब ये सारी चीज़ें समझाता हूँ मसब्ब से सबब वगैरह मुराद लेना मिसाल मिसाल है वो सारी प्लेट खा गया अब देखें यहां पर ऊपर आपने ये चीज नहीं पढ़ी यहां पर उन्होंने जर्फ बोला है जर्फ जर्फ कहते हैं प्लेट को बर्तन को बर्तन बोला गया है लेकिन मुराद बर्तन नहीं है मजरूफ है बर्तन के अंदर पड़ी हुई चीज वो प्लेट नहीं खाएगा यहां प्लेट खाने से मुराद प्लेट में पड़ी हुई चीज खाना है ये प्लेट और प्लेट में पड़ी हुई चीज प्लेट जर्फ है और प्लेट में पड़ी हुई चीज मजरूफ है ये ताल्लुक बन रहे ये तश्मीर तो नहीं है ना प्लेट और प्लेट में पड़ी हुई चीज ये तशबी नहीं है ये ताल्लुक कोई और है मुराद जर्फ था मुराद मजरूफ था बोला क्या गया जर्फ बोला गया इसको मेजाज मुसल कहते हैं आगे देखें मैंने किताब बाजार से खरीदी है अब यहां देखे बाजार क्या है बाजार कुल बोला गया है यह ये यहां पर आपको सिखा रहे थे कि जुज से कुल कुल से जुज कुल बोला गया है कुल बोला गया है कुल की बजाय यहां पर क्या है मुराद जुज है मैंने किताब बाजार देखे अब पूरा बाजार है सब्जी की दुकान भी है गोश्त की दुकान भी है कपड़े की दुकान भी है जूते की दुकान भी है पूरे बाजार में से एक खास दुकान में गए हैं पूरा बाजार किताबों का नहीं है एक दुकान किताबों की है आपने असल में किताब दुकान से खरीदी है बाजार बोला गया, गया है बाजार कुल है मुराद उसका जुज है एक हिस्सा है मजीद देखे आज अगर मेहनत की तो कल पछताना आज अगर मेहनत न की तो कल पछताना पड़ेगा जुज अब देखें यहाँ कल से मुराद आइंदा आने वाला जमाना है अब कल क्या चीज है अब यहाँ पर कल है कल से मुराद ये नहीं है कि आज के बाद आने वाला कल कल से मुराद बहुत दूर आने वाला जमाना आज आप टेंथ क्लास में हैं आप क्लास के लिए आज मेहनत कर रहे हैं आज ठीक मानो में इस्तेमाल हुए कल पछताना अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कल यानी रिजल्ट डे पर ये तो दूर है ना एक कल वो है जो दूर है एक कल वो है जो आज के बाद नेक्स्ट डे आना है ये नेक्स्ट डे मुराद नहीं है इससे इस कल से मुराद फ्यूचर है तो ये भी क्या है देखे जुज बोलकर कुल मुराद लेना है यानी कल के बाद एक लंबा अरसा है ये मुराद है भैया स्टूडेंट इस मजाज मुसल्क की मिसालों और इसके आगे ये जो लिखा हुआ है ये आपने होमवर्क में भेजना है सवाल नंबर नेक्स्ट है लोक कहानी की तारीफ बयान करें तो ये लोक कहानी की तारीफ जब मैं आपको यहाँ पर माँ की नसीहत पढ़ा रहा था शुरू कर रहा था तो यहाँ मैंने सिर्फ का नाम जब लोक कहानियाँ बताया था उस वक्त ये मैंने तारीफ आपको कर दी थी ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस सॉरी एक्टिविटीज़ नंबर वन नंबर टू और ये वाला वर्क जो है ये और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास है हाली जगहपुर ये आपने अपनी कॉपियों पर करके नीट फॉर्म में मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पर ताकि चेक करके आपको वापस किया जाए शुक्रिया वसलाम खुदा हाफ़